बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएनटी और पीआरएफ के इश्तराक से रीहैबिलिटेशन के तहत जो हमारी कैंपेन शुरू हुई थी उसमें एक मकान ये बनाया गया है, और इससे पहले कच्चा मकान था और इसमें ये ईंटें लगाई गई जो तकरीबन 6,000 के करीब इसमें ईंटें लगी, और इसमें अंदर जो है लोहे का गार्डर इस्तेमाल किया गया है, शैतीर इस्तेमाल कड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं। अलबत्त जो छत है इसकी वो देसी साख की बनाई गई है, और ऊपर से शॉपिंग बैग या प्लास्टिक की जो शीट है वो बिछाकर ऊपर से गार्डर से लिपाई की गई है, और अंदर से इस मकान के सीमेंट किया गया है, ये कमरा बना दिया गया ताकि ये लोग एटलीस्ट कम से कम सर्दियों में सर छुपाने के काबिल हो सके। आइए इंद्रा थोड़ा सा इसको अंदर से देखते हैं। क्या रहे थोड़ा जी सही करीम बख्श साहब, यह मकान जो है थोड़ा पहले कच्चा ही था, पक्का ही पहले कच्चे भी एक रहा ही, एक कच्चा ही एक कमरा जोड़ा ही तुरा कोठा कच्चा 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 ये सारी सिला तो कोई नहीं गिना दी, और ये जोड़ा ये सीमेंट शीमेंट ये गार्डर जोड़ा ये कड़िया शड़िया ये सारी इन्हें ही दिते मिस्त्री के पैसे भी इन्हें दिते मिस्त्री के पैसे नहीं तो मजदूरी तो साफ की थी मजदूरी में कितने दीवार लगे ने बनाने इस बारे सात दीवार इस तरह ठीक है ये जोड़ा दरवाजा है ये दरवाजा ये इन्हें दिते या मकसद है ये पूरा कमरा इन्हें बना के दिते ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि पूरा कमरा जो है यूएमटी पीआरएफ की जानिब से बना कर दिया गया है, और यहाँ हमने रशीद साहब को निगरान मुकर्रर किया हुआ है, इसलिए जो है वो यहाँ पे सारे मामलों को देख रहे हैं यूएमटी के बिहाफ पे भी और पीआरएफ के बिहाफ पे भी, और हमें बहुत ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं वॉलंटियरली, और चूंकि वो इलाके के हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते। 7 दिनों के अंदर जो है वो ये कमरा तामीर किया गया, जो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये कि इनकी जरूरियात की तकमील जो है और इन हालात में जितने हमारे पास महदूद वसाइल हैं उसको सामने रखते हुए ये चीज बनाई गई है। अंदर से सीमेंट की का प्लस्तर है और ये लोहे का गार्डर आप देख रहे हैं ऊपर, और जबकि कड़ियां और इसके ऊपर पतल की ये या आप कह लीजिए कि छप्पर जो है उसकी छत बनाई गई है, जिससे एटलीस्ट ये है कि सर छुपाने के लोग काबिल हो सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का मकानात का एक जो हिस्सा है वो ये वाला एक मकान था। करीम बख्श इलाके का नाम पूरा दसाओ चाहे एड्रेस पूरा दसाओ चाहे लिखो दसो जी नहीं नहीं ये रिकॉर्ड होना पाया दायरा बदू बस्ती का नाम क्या है तरखाना का तहसील मुजफ्फरगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ ठीक है सर ठीक है सर ठीक है शुक्रिया। अच्छा सर जी ये नॉर्मल खाते चाह ठीक है।